नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास एट्थ में साइंस की बुक में हमारा ये चैप्टर 11 फोर्स एंड फ्रिक्शन, बल और दाब, ये चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, संपर्क बल, तो उसमें मस्कुलर फोर्स आपको बताया था, ठीक है, यानी कि पेशीय बल बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। आप थोड़ा बहुत जो है घर्षण के बारे में जानते ही होंगे, तो इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसको देखते हैं। रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, ठीक है। आपने अपने अनुभवों के आधार पर देखा होगा कि कोई लुढ़कती हुई जमीन पर कोई लुढ़कती हुई बॉल सामान्यतः जब धीमी होती है तो वह धीमे होकर अंत में विश्राम की स्थिति में आ जाती है। When we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down। जब हम लोग बाइसाइकिल यानी साइकिल पे पैडल मारना बंद कर देते हैं तो वह सामान्यतः विश्राम की स्थिति में धीरे धीरे जो है आने लगती है। A car or scooter also comes to rest once its engine is switched off। कार और स्कूटर भी जो है धीरे धीरे विश्राम की स्थिति में आते हैं जब हम जो है उसके इंजन को बंद कर देते हैं। सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ़ वी स्टॉप रोविंग इट। और इसी प्रकार जो है जो नाव होती है वह जो है विश्राम की स्थिति में, यानी कि आराम की स्थिति में आ जाती है जब जो है हम उसको चलाना बंद कर देते हैं। कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंसेस। क्या आप लोग ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरणों को दे सकते हैं इससे संबंधित। In all these situations, no force appears to be acting on the objects, yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time। इन सभी प्रकार की स्थितियों में बल जो है नहीं लगता है। इस कारण से जो वस्तु होती है उसकी जो है उसकी चाल धीरे धीरे कम होने लगती है और अंत में जो है वह वस्तु विराम की स्थिति में आ जाती है। What causes a change in their state of motion? तो वह क्या कारक है जिसके कारण से इनकी जो गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन आ जाता है। कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम। क्या इन पर कोई बल कार्य करता है। कैन यू गैस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस। क्या आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इन सभी स्थितियों में जो है किस दिशा में जो है वह बल कार्य करता है। द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो इन सभी स्थितियों में जो जिम्मेदार बल है इनकी इन वस्तुओं की गति की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए वह जो बल है वह घर्षण बल है। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट। जैसे कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद में जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, वह बॉल और जमीन के बीच लगता है। इस तरह से जो गतिशील बॉल है वह विराम की अवस्था में आ जाती है। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू अ स्टॉप वंस यू स्टॉप रोविंग। और इसी प्रकार जो है पानी और नाव के बीच में भी जो है घर्षण बल लगता है जब आप नाव को चलाना बंद कर देते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो जो घर्षण होता है वह सभी प्रकार की गतिशील वस्तुओं पर लगता है और जो यह बल होता है, घर्षण बल होता है, यह हमेशा जो है वस्तु की गतिशील अवस्था के विपरीत दिशा की ओर लगता है। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसिस। और जो फ्रिक्शन जो होता है, घर्षण बल, यह जो होता है जो सरफेस होता है यानी कि जो तल होता है उसके और वस्तुओं के आपस में मिलने के कारण उत्पन्न होता है। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इसलिए जो है यह एक संपर्क बल का उदाहरण है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर 12। और इस बल के बारे में आप जो है विस्तृत रूप से जो हमारा चैप्टर 12 है इससे अगला वाला फ्रिक्शन का उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमेशा उल्टी दिशा की ओर लगता है। जैसे कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। ये हमारी पेन है और ऐसे लुढ़कते हुए
आर्यन, यहाँ पर स्टॉप हो गई है। ठीक है, तो जो इसका ये स्टेट ऑफ मोशन है, ठीक, ये स्टेट ऑफ मोशन है। अब ये धीरे धीरे इसके देखिए स्पीड जो है वो लो होती रह रही एंड डिक्रीज होती रह रही, और अंत में जो है ये जो पेन है जो इसका मोशन है वो जो गति अवस्था है वो विराम की अवस्था में इस तरह आ रही। तो इस जो है जैसे ये यहाँ से सरफेस है, ये बुक की सरफेस है और ये पेंसिल की पेन की सरफेस है, तो दोनों के सरफेस के बीच क्या है एक विपरीत, जहाँ को अगर गति कर रही है पेन, पेन अगर यहाँ को गति कर रही है तो उसके विपरीत जो है इधर को फ्रिक्शन लगता है, यानी कि घर्षण लगता है। ये देखिए जिस साइड गति होगी उसके विपरीत दिशा में जो है क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, और अंत में जो है इस तरह से वस्तु अपनी विराम अवस्था में आ जाती है। तो ये भी जो है संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो हमारी बुक की सरफेस है और जो पेन की सरफेस है, जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच जो है जब कॉन्टैक्ट हो पा रहा है तभी जो है ये वस्तु विराम अवस्था में आ पा रही है। ठीक, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, जैसे पहला है मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।